हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के वायर्स सबकी आशा सबके साथ में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में सिंधु नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगरों को याद करेंगे जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय बसे हुए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सिंधु नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर जो प्राचीन थे, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में बसे हुए थे, उन नगरों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है हमेशा की तरह। वो ट्रिक है दोस्तों, चाहूं आमों का कोट सीधा। क्या है दोस्तों ट्रिक? चाहूं आमों का कोट सीधा, यानी मैं सीधा साधा आमों का कोट चाहता हूं। बस दोस्तों यह ट्रिक है, फिर से देख लीजिए ट्रिक क्या है, चाहूं आमों का कोट सीधा। अब इससे कौन कौन से नगर बनते हैं तो आइए वो देख लेते हैं। चाहूं से यहां याद आ जाएगा चहुदड़ो। तो चहुदड़ो नगर है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आ से याद आ जाएगा आमरी। तो आमरी जो शहर है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मुँह से याद आ जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। को का इसमें साइलेंट है। कोट से याद आ जाएगा कोट दीजी। और सीधा से याद आ जाएगा सिंधु नदी, यानी यह सभी नगर सिंधु नदी के किनारे स्थित थे। फिर से देख लीजिए ट्रिक क्या है, चाहूं आमों का कोट सीधा। तो चाहूं से चहुदड़ो, आ से आमरी, मो से मोहनजोदाड़ो, कोट से कोट दीजी और सीधा से सिंधु नदी। तो सिंधु नदी है यह, और सिंधु नदी के किनारे यह नगर स्थित थे चार, चहुदड़ो आमरी मोहनजोदाड़ो और कोट दीजी। बस इसको याद करने के बाद हमें सिंधु नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर आसानी से याद हो गए। ओके दोस्तों, तो देखा आपने कैसे चुटकियों में हमने याद कर लिए सिंधु नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। अगर दोस्तों आपको हमारी ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो देख रहे हैं हमें, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर दें। किस लिए? क्योंकि इसी तरीके से आपको अगर नई नई ट्रिक चाहिए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इसके माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मजेदार ट्रिक के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।